हेलो, सारे बच्चे इस लाइव क्लास पर जुड़ जाएं। वहाँ से पता नहीं क्या हुआ, एकदम जो है उसमें सब कुछ बंद हो गया। ना ही कोई कमेंट आ रही थी, ना ही कोई लाइव दिखा रहा था। दोबारा फिर से जो है लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करनी पड़ी। अभी सारे बच्चे जो है एसी वाली क्लास पर ऐड हो जाएं। वहाँ बंद हो चुकी है लाइव स्ट्रीमिंग। न्यू वीडियो स्टार्ट किया अभी से, न्यू लाइव क्लास। हाय ब्रजमोहन, गुड इवनिंग सोम राय, RATH। अच्छा राज था ये। हाय बेटा राज, क्या प्रॉब्लम हुई वहाँ? पता नहीं हमको, एकदम जो है कमेंट आना सब जो है ऑफ हो गया, और उधर से जो है एकदम सारे जो है लाइव जो दिख रहे थे वो भी शेयर कर दें आप सभी के पास। जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं वो शेयर कर दें सबके पास जल्दी से। ब्रजमोहन अब क्लियर है, शेयर करो सबके पास जल्दी से, फिर से वापस आए। पता नहीं क्या हो रहा है आपकी बार। जल्दी से सबको शेयर कर दें बेटा। सोम राय बेटा सबको शेयर कर दो जल्दी से। इतना अच्छा सब चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ। शिवम सैनी, हाय बेटा शिवम। किरण यादव, हाय किरण यादव। सोम राय बेटा शेयर कर दिया उसको, क्लियर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसका सम कर लीजिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। आप लोग जानते हो, पहचाना सर? नहीं पहचान भाई बेटा। सोम वंशी, शिवम वंशी। अच्छा शिवम, शिवम सैनी है, सॉरी शिवम सैनी बेटा, पहचान नहीं पाए। फ्रीक्वेंसी ऐड करके जो आएगा उसको हम एन लिख सकते हैं या सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद जो है आपका फार्मूला होता है ये L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो पहले हम एन बाई टू करते हैं यहाँ पर। शिवम सैनी बेटा कहाँ से बोल रहे हैं आप? हो सकता है ना ध्यान आ रहा हो। एन बाई टू मतलब 80/2 करेंगे तो आएगा 40। अब आप एक चीज समझिए, जो आपका सी एफ है उसमें जो है 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से ऊपर वाला मतलब 40+ जो आ रहा है प्रयागराज से। अच्छा हाँ, एक दिन कमेंट किए थे शायद आपने प्रयागराज से। ओके हाँ, समझ गए बेटा निर्मल, समझ गए। तो यहाँ पर ये 61 वाला जो होगा ये यही आपकी रो ली जाएगी यहाँ पर, और इसमें ये 23 जो है ये जाएगी, और जो इसके ऊपर वाला होता है ये सी एफ हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज़ को, और इसी में ये आपका लोअर लिमिट एल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एल, लोअर लिमिट जो एल है यहाँ पर, ठीक। एन बाई टू निकाल लिया, सी एफ निकाल लिया आपने, ये 38 आया, और आपने हाँ एफ भी निकाल लिया, 23 आया। अब बचा है सिर्फ एच। एच होता है क्लास इंटरवल, तो एच इक्वल टू आपका क्लास इंटरवल देखिए, 15 - 5 करेंगे 10 आएगा, 25 - 15 करेंगे 10 आएगा, तो एच आपका हो गया 10। बस पुट कर दीजिए फार्मूले में और हो जाएगा। समझ में आया? सारे बच्चे लाइव सेशन को शेयर कर दें। हाँ शेयर कर दें बेटा, इसको शेयर कर दें सबके पास। क्वेश्चन होगा कन्फर्म हो थम का वो होता है। अभी सब क्लियर चल रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चे शेयर करो फिर आनंद आएगा। मीडियन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, अब आपको हम बताते हैं कि जो है जो आपका मोड निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। मोड, अब आप देखेंगे मोड का फार्मूला, देखें मोड का फार्मूला क्या होता है। मोड का होता है एल प्लस
f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ये आपका फार्मूला होता है। दिख रहा है सभी को? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका कोई, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इसमें आप क्या देखते हैं कि जो आपका वो होता है क्लास इंटरवल, ठीक है, उसमें जो फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन होती है, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो उस फ्रीक्वेंसी का आप जो है ये देख लें, सबसे जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ग्रेटेस्ट है, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। मॉडल क्लास लेते हैं एक, क्या लेते हैं? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास किस बेस पर आप लेते हैं ये भी आपका जानना बहुत, सर नेट में दिक्कत है क्या? अभी तो बेटा क्लियर है, अभी तो बेटा क्लियर है राजकुमार। अभी तो सब कुछ क्लियर है, शेयर कर दें बेटा सभी। पहले खराब हो गया, हाँ पहले खराब हो गया था। अब देखें अच्छा, इसमें जो ये आपका F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब ये समझ लीजिए जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ग्रेटेस्ट वही आपकी F1 होगी। जैसे मान लिया एक हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं तभी आपके समझ में आएगा। क्लास इंटरवल हम लिखते हैं CI, क्लास इंटरवल है आपका 1 to 3 और 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 11, ठीक। एक मिनट, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया। फिर उसके बाद हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी F, तो फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है 7 8 2 2 1 2 2 1। तो यहाँ पर आपकी जो F1 होगी वो जो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसमें CF नहीं निकालना होता, ध्यान रखना। सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी दे रखी है? 8 दे रखी है, तो यही आपकी हो जाएगा। कन्फर्म करें, 5 बच्चे देख रहे हैं बेटा, लाइव सेशन को शेयर। जो होता है आपका इसी, जो आपकी मॉडल क्लास होती है इसको हम मॉडल क्लास मान लेंगे, ठीक है। मॉडल क्लास में जो आपका लोअर, ये जो L इक्वल टू होगा ये आपका 3 होगा, लोअर लिमिट जो होगी वही होगी आपकी, ये जो मॉडल क्लास है उसमें जो लोअर L होगी, ठीक है। और बाकी H तो आप जानते हैं, क्लास साइज, H इक्वल टू क्लास साइज। तरुण शर्मा बेटा नमस्कार, क्लास साइज होता है। इस समय F1 कैसे निकालते हैं? जो सबसे हाईएस्ट ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है F1, और वो प्रॉब्लम हो गई क्या? कमेंट करें बेटा। अभिषेक वर्मा गुड इवनिंग, वीकली एथिक्स आ गया, गुड इवनिंग यार। नाउ कोई था उसने कमेंट किया था, डिलीट कर दिया।
ध्यान समझें इसमें फिर से, जो आपका ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, वीडियो रुक रहा है बेटा, पास्ट नाइन्थ अर्णव बेटा, अगर नाइन्थ पास हो गए हैं तो आपको एक जानकारी दे दें कि इसी पर है आज तो सीबीएसई बोर्ड वालों का कल जो है पेपर है, उसके चक्कर में आज करना पड़ रहा है हमें रिवीजन क्लास, नहीं तो पर डे इस पर एनसीईआरटी बुक का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है बेटा। अर्णव, तरुण शर्मा, जो भी बच्चे न्यू देख रहे हैं वो ध्यान से सुन लें कि क्लास टेंथ का फुल कोर्स सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी बुक कराई जाएगी, ठीक है। आज लाइव क्लास में जो है ले रहे हैं बच्चों का रिवीजन, क्योंकि अभी कल सीबीएसई बोर्ड वालों का एग्ज़ाम है इसी के चक्कर में, ठीक। तो चलिए ध्यान दें, ये जो आपकी मॉडल क्लास होती है वो कैसे चेक करते हैं, वो चेक करते हैं जब आपका उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें होगी वही मॉडल क्लास होगी। हाइड्रा ग्रुप BHWC क्या है बेटा? हेलो सर, थैंक यू बेटा अरिजीत भारद्वाज। ये बेटा हाइड्रा ग्रुप वाला ये क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, किस भाषा में आप लिख रहे हैं बेटा, ये शार्ट लैंग्वेज नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर L आपके समझ में आया, L लोअर लिमिट लेंगे, और F0 प्रीसेंडिंग जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो, F2 असेंडिंग फ्रीक्वेंसी जो बोलेंगे, ठीक। तो चलिए अभी ये कंफर्म हो गया, अब बताएं बेटा तरुण शर्मा, बताएं किस वाले चैप्टर से लिया जाए, बताएं जो आप कहें वो क्वेश्चन हम ले, या तो हम अपने मन से फिर क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन फिर हम लेंगे अपने मन से, या तो आप बताएं किस चैप्टर से लें हम। तरुण शर्मा सर्किल सर, आज आपने मोड चेंज नहीं किया है, क्या मोड नहीं चेंज किया है? अरे हाइड्रा ग्रुप बेटा क्यों तुमको, हाँ इसीलिए आ रहे हैं हमें लगता है, हाँ ओनली सब्सक्राइब, पहले वाले में किया था उसमें पता नहीं क्या हो गया, ये बेवकूफ़ आने लगे, देखो तुम्हारी चैट को जो है अब हमको करना पड़ेगा हाइड। हाइड्रा ग्रुप गया, ठीक है, सारे बच्चे इधर ध्यान दें, सर्किल पर आते हैं, तरुण शर्मा के कहने पर सर्किल पर आते हैं हम, चैप्टर 10 जो आपका है सर्किल। तरुण शर्मा बेटा हो कि नहीं हो कमेंट करें। हेलो हेलो, अभी कैसे लग जाएगा, अभी हमको पता नहीं है बेटा कैसे लगेगा, अभी क्या यहाँ से लग सकता है, यहाँ से हमको नहीं पता है कि लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, अगर यहाँ से कुछ किसी को पता हो तो बताएं हम लगा दें। तरुण शर्मा देखिए आपका सर्किल चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सर्किल सर्किल में पहले शायद नहीं, अगर कंफर्म पता हो तो बताएं। देखिए क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन पहले हम लेते हैं, एक ये आपका सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल में जो है ये आपका सेंटर है O, ये है T पॉइंट, ये है P और ये है Q, आपका ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड PTQ फाइंड करना है बेटा, ये एंगल आपको बताना है, फाइंड करिए, बताएं तरुण शर्मा बेटा, तरुण शर्मा बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, बताएं बेटा तरुण शर्मा, बताइए, अब आपके बच्चे पता नहीं फिर से गायब हो गया, तो हो जाना चाहिए था 70 डिग्री, दोनों क्या है टेंजेंट हैं, दोनों आपकी टेंजेंट हैं, तो टेंजेंट और ये है आपकी रेडियस, सेंटर से मिला देंगे, हाँ तरुण शर्मा 70 डिग्री,
ये आपकी OQ और OP क्या हैं, रेडियस हैं। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसीलिए ये 90 180 हो गया और ये 110, और यहाँ पर जो होगा उसका भी सम होगा, क्योंकि एक ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम होता है 360, तो 180 ये हो गया, तो कितना बचा 180, तो 180 से माइनस कर देंगे 110 को, तो आपका बचेगा 70 डिग्री। वेरी गुड तरुण शर्मा बेटा, चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन एक जो है, बाकी तो अदर क्वेश्चंस प्रूव वाले हैं वो काफ़ी लॉन्ग हो जाते हैं। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना ये कि जो आपकी टेंजेंट होती है, एक और अच्छा ले लेते हैं क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन लगभग इसी टाइप के होते हैं, बाकी वो जो प्रूव करने वाले होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, अगर उसको प्रूव करेंगे तो पूरा फिर टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। हेलो, हाँ तरुण शर्मा, अच्छा अब जो है हम लेते हैं अभी, हाँ देखिए वो आपका चैप्टर है कि नहीं उसमें कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर 11 बताइए, कंस्ट्रक्शन वाला है कि नहीं है तरुण शर्मा बेटा, कंफर्म करें कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है कि नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं, डिलीट है तब तो फिर कोई बात ही नहीं, अगर कंस्ट्रक्शन हट गया है ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये तो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो है ही बेटा ना, इससे एक दो क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन इससे क्वेश्चन आता ज़रूर है, हाइट एंड डिस्टेंस या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए इसमें एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, हेलो हेलो, ट्री है उस चैप्टर से लें क्वेश्चन, कमेंट करें, सर आपके यहाँ नेटवर्क इशू है शायद, बेटा क्या करें नेटवर्क इशू क्या है, बादल अभी 3-4 दिनों से लगातार हो रहा है, बारिश भी हो चुकी है, तो इसी चक्कर में नेटवर्क प्रॉब्लम हो ही जाती है, दोनों सिम है बताओ जियो और पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्वेश्चन बताते हैं किरण बेटा क्या है लोग, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि एक स्टैचू है उसकी लेंथ है 1.6 मीटर है कोई, ठीक है मतलब हाइट है 1.6 मीटर, ठीक आप क्वेश्चन को समझना ध्यान से, वाईफाई लगवा लीजिए, लगवाएंगे बेटा रुक जाओ, मैंने बताया था 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद वाईफाई लग जाएगी, 1000 सब्सक्राइबर करवाइए वाईफाई उसके बाद लग जाएगी, मैंने अभी बात की थी कल ही, पता कर लिया है वाईफाई के बारे में, बस थोड़ा सा चैनल को बढ़ावा। क्वेश्चन ये था कि ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है कोई मान लिया ये, ठीक है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये है, टॉप ऑफ अ स्टैचू इज 60 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पेडेस्टल ये है, पेडेस्टल का टॉप ये है, तो यहाँ से ये है 44 डिग्री, कंफर्म समझ में आ रहा है इतना कि नहीं, यहाँ से एंगल यहाँ तक है 60 डिग्री ये वाला, और यहाँ से यहाँ मतलब इसके पेडेस्टल के टॉप का एंगल है 45 डिग्री, ठीक। अब पूछ रहा है 1.6 मीटर ये है, पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, गुड इवनिंग श्रेया, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है क्या करना होगा, ये 60 डिग्री दे रखा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 45 दे रखा है,
ठीक है। तो पहले आप 45 वाला लें, टेन दिख रहा है, टेन 45 इक्वल टू, टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखिए, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल का कौन सा लेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल का नेम लिख लेते हैं ए बी सी, ये पॉइंट मान लेते हैं डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी, बी सी डी में, बी सी डी में टेन 45 इक्वल टू एच अपान एक्स, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू एच अपान एक्स, एक्स और 1 की मल्टीप्लाई करिए, एच इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आप ले लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, अब की बार हो जाएगा टेन 60 इक्वल टू एच एच प्लस 1.6, ये एच है और पूरा टोटल इसकी हाइट हो जाएगी एच प्लस 1.6, ठीक है। तो यहाँ टेन 60 का वैल्यू रूट 3, तो यहाँ हो जाएगा टेन 60 टू इक्वल टू एच प्लस 1.6 अपान एक्स, और एक्स इक्वल टू क्या है एच, तो एच प्लस 1.6 अपान एच, एच रूट 3 ऐड हो जाएगा, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच रूट 3 इक्वल टू एच प्लस 1.6, फिर उसके बाद से एच इधर आएगा तो एच रूट 3 माइनस एच इक्वल टू 1.6, एच कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा रूट 3 माइनस 1, आपका बचेगा रूट 3 माइनस 1। तरुण शर्मा ने बताया 2.184 में सर ये आ रहा है, अच्छा मीटर, ठीक 2.184, अभी देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू 1.6 अपान रूट 3 माइनस 1, ये अपान में जाएगा, रूट 3 माइनस 1 है, रूट 3 प्लस 1 से रेशनलाइजेशन कराइए, रूट 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 3 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 3 माइनस 1 आएगा 2, 2 से 0.6 को कट, सॉरी 1.6 को कट करेंगे आएगा 0.8, तो 0.8 इंटू रूट 3 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73, तो यहाँ पर 2.73, 1 और 1 ऐड होकर 2.73, मल्टीप्लाई कराइए, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56 और 2 58, 8 2 जा 16 और 5 21, 2.184, वेरी गुड तरुण शर्मा, वेरी गुड निर्मल पटेल, हाँ वो अच्छा रूट 3 का वैल्यू बताया, वेरी गुड बेटा। सारे बच्चे लाइव सेशन को शेयर कर दें, क्वेश्चन समझ में आया कंफर्म करें, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जो क्लास टेंथ वाले हैं वो बताएं, क्योंकि भी क्लास नाइन्थ वालों के लिए सब नया नया होगा, कोई बात नहीं, आज नाइन्थ से पहुंचे हो बच्चे, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, वो उनको यहाँ पर पूरा कोर्स का सलूशन मिलेगा, बेसिक भी बताया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे। अरे सर सब एग्जाम आउट, अरे एकदम आउट ऑफ ब्रेन सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं निर्मल, जब समझाएंगे सही से ये चैप्टर तो आउट ऑफ ब्रेन जो आपको अभी लग रहा है वो सब एकदम 100% आपके समझ में आएगा, इस चीज़ की गारंटी है, आप बस समझने की कोशिश करें, समझ में तो आएगा कन्फर्म। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से लेते हैं, या तो तरुण शर्मा आपको जिस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उस चैप्टर को बताएं, वही चैप्टर के। तरुण शर्मा या जो भी बच्चा देख रहा है क्लास टेंथ का हो, जो टेंथ का सीबीएसई का अभी एग्जाम कल जिसका होगा, अगर वो बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकता है, सीबीएसई का जिसका भी कल एग्जाम हो वो बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे, आप उसमें लिख करके भेज दीजिए, क्वेश्चन का सलूशन हम देंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को आप लिख करके भेजिए। सर पहली बात तो यह टेन से कॉस ये तो अभी पढ़ा नहीं है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, पढ़ाएंगे इसको भी। बताएं तरुण शर्मा बेटा किस चैप्टर से या कोई क्वेश्चन कंफर्म करें तुरंत। सारे बच्चे लाइव क्लास में, अगर नए आए हैं कोई भी बच्चा तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, क्योंकि बेल आइकन अगर नहीं दबाएंगे तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। लाइक करें सभी। तरुण शर्मा देख रहा था, तरुण शर्मा बेटा बताएं
जो चैप्टर आप चाहें उससे बताएं, नहीं तो अपने मन से एक क्वेश्चन फिर से लेने जा रहे हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन अच्छा सा लेते हैं। अच्छा फिर से आज एक्सरसाइज 6.15 वाला क्वेश्चन, चलिए 6.15 वाला क्वेश्चन लेते हैं पहले। एक मिनट, बेटा 6.1 में फिफ्थ क्वेश्चन तो है ही नहीं बेटा। तरुण शर्मा बेटा किस बुक से कह रहे हैं आप? हमारे पास ये बुक है NCERT, ये बुक है, देखिए ये, अगर आपको दिख रहा हो तो 6.1 देख लीजिए, ये बुक है हमारे पास। तरुण शर्मा बेटा आप किस बुक की बात कर रहे हैं? या तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो लिख करके भेजें पूरा, बताएं। 6.1 में तो फिफ्थ क्वेश्चन है ही नहीं, 3 क्वेश्चन है केवल। 6.2, अच्छा 6.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, चलिए वाह बेटा, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है बेटा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.20, अच्छा ये फिगर बना लेते हैं पहले। ध्यान से बेटा देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, यही क्वेश्चन है बेटा तरुण शर्मा, यही क्वेश्चन है। इन फिगर DE पैरेलल OQ गिवन है, गिवन क्या है? गिवन है आपको DE पैरेलल OQ, हाँ ठीक तरुण शर्मा, और DF पैरेलल OR, ये गिवन है आपको। प्रूव करना है EF पैरेलल QR, प्रूव करना है आपको EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR, चलिए टू प्रूफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा तरुण शर्मा, ध्यान से देख लें, बिल्कुल एकदम समझ में आएगा, बस आप जो है बने रहें। इसमें देखिए क्या होगा, हम लेते हैं इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ, ध्यान से देखें POQ, इसमें क्या है आपको गिवन कि DE पैरेलल OQ, DE जो है आपकी ये वाली, ये पैरेलल है OQ के, ठीक है। तो यहाँ पर जब DE पैरेलल OQ है तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी लगेगी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका PE अपान EQ इक्वल टू PD अपान DO, ओके बेटा, तीन ही लोग देख रहे हैं, बताओ शेयर करो सबको जल्दी से, तीन और ये दो क्या देख रहे हैं? इसको आप मान लें इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल POR, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम
यहाँ से हो जाएगा पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर इक्वल टू पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये होती है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है आपका, सॉरी कोई भी ट्राइंगल है, अगर उसमें एक पैरेलल लाइन खींच दी जाए किसी भी साइड के पैरेलल, तो मान लिया ये आपका ए बी सी था, तो ये लाइन आपने ई एफ खींची, तो ए ई, अगर ये पैरेलल है ई एफ पैरेलल बी सी, तो ए ई अपान ई बी और ए एफ अपान एफ सी, मतलब इनका रेशियो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैं रेशियो ही इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अरे सर ये तो सिंपल है, मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा। कोई दिक्कत नहीं बेटा तरुण शर्मा। अब इन दोनों इक्वेशन से यहाँ पर लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ, ये जो आपका पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ है, ये इक्वल है, तो इधर वाले दोनों इक्वल हो जाएंगे, पी ई अपान ई क्यू, पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। अब यहाँ पर जब ये इक्वल हो जाएंगे, तो देखिए आप इन ट्राइंगल ए पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसको आप इक्वेशन थर्ड माने, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, पी ई अपान ई क्यू, पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर फ्राम इक्वेशन सेकेंड, नहीं थर्ड, फ्राम इक्वेशन थर्ड। तो जब इक्वेशन थर्ड से आपका ये आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई रिवर्स ऑफ बी पी टी, सारे बच्चे लाइव सेशन को शेयर कर दें, बाई रिवर्स ऑफ बी पी टी, बाई रिवर्स ऑफ बी पी टी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के रिवर्स से क्या हो जाएगा, दोनों लाइंस जो आपकी ई एफ है, यही तो आपकी लाइन है, ई एफ पैरेलल पी नहीं क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, यही आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था, हैंस प्रूव्ड। देखिए ई एफ पैरेलल क्यू आर कह रहा था कि नहीं कह रहा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, लेकिन क्वेश्चन इजी था। अगर आपको आती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और रिवर्स, आप कमेंट करें तुरंत, सारे बच्चे कमेंट करें कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया बीपीटी, अगर आप समझ में आया होगा तो समझ में आएगा, सर आ गया समझ में, थैंक यू, वेरी गुड तरुण शर्मा। अभी अगला क्वेश्चन कोई भी बताएं, कोई भी क्वेश्चन आप बताएं, कहीं से भी हो, क्लास टेंथ से रिलेटेड हो क्वेश्चन, बस तब तक कमेंट करें। यस सर कुछ कुछ, राजीव त्रिवेदी, अरे वो बेटा क्या नाम है आपका, आशुतोष त्रिवेदी, कोई में आएगा, अभी पूरा जब कराएंगे एक साथ, जब पूरा चलेगा आपका कोर्स एक तरफ से, बिल्कुल 100% समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है, बस आप समझते रहें, क्वेश्चन पर डे लाइव क्लास लेते रहें, सेशन को शेयर कर दें जल्दी से, सारे बच्चे शेयर करें जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन, तरुण शर्मा बेटा कोई भी क्वेश्चन हो अभी कमेंट कर सकते हो। हेलो कमेंट करें बेटा, जल्दी से कमेंट करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, नहीं तो अपने पास से ले रहे क्वेश्चन हम। तरुण शर्मा बेटा कमेंट करें, सर ट्रिग्नोमेट्री से आप ही लें, ट्रिग्नोमेट्री से आप ही लें, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री से, हाँ ट्रिग्नोमेट्री से लेते हैं, चलो मैं आपसे, एक मिनट, सर लग क्या हो रहा है बेटा,
वेनिक्स की गेमिंग सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्यों? अभी तो बेटा क्लियर आ रहा था। चित्रंजन मिर्धा अभी तो बेटा क्लियर आ रहा था। अभी रुक जाए एक मिनट, एक ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन है, साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा को आपको प्रूव करना है। एक मिनट, कहाँ गया यार क्वेश्चन, भी गायब हो गया। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूव करना है। नहीं है कन्फर्म, हाँ चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आप इस प्रकार से बना लें, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है, प्रूव करना है। एक एक तरफ से आपको LHS लेना है, RHS के इक्वल प्रूव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब पावर थी तो उसको 2 की पावर 3 लिख लेंगे, मतलब ये साइन स्क्वायर साइन की पावर 2 और उसकी पावर 3। अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है आपका फार्मूला। इसी फार्मूले के आधार पर ओपन करते हैं, ए क्या है साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा वन ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में आपका होगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट बंद कर लीजिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, हमेशा याद रखना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन साइन की पावर 4 थीटा। इसमें आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, एक और फार्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहाँ से अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2ab इधर आ जाएगा। इसी फार्मूले के आधार पर ए को आप मान लें साइन स्क्वायर थीटा और बी को मान लें कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका जो ए और बी है वो हो जाएगा आपका, एक मिनट, जो आपका ए और बी है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बन जाएगा, इसको हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस आगे ये था ही साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो आपको बताया था ऐसे ही, तो इसका वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस, ये दोनों माइनस के हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इंटू, तो ये ऐड होके हो जाएंगे माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा होगा बेटा, अच्छा होगा, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, बस आप जो है सारे फार्मूलों का एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपका जो है प्रूव करा रहा था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा चलिए, आप लोगों को आज थोड़ा हम सब
सारे फार्मूलों का रिवीजन करा लेते हैं। कितने मार्क्स मार्कर हैं सर? मार्कर मार्कर इतने हैं, इतने देखिए, इतने मार्कर हैं सारे, कितने मार्कर रखते हैं, कोई भी मार्कर कहीं से भी दिक्कत ना करे। ये इतने मार्कर हैं सारे, सब पास में ही रखते हैं कि दिक्कत कहीं से भी ना हो। तरुण शर्मा बेटा सारे फार्मूलों का रिवीजन कराते हैं। चलिए स्टार्टिंग से फार्मूलाज रिवीजन चलेगा, क्योंकि फार्मूला अगर भूल गए तो सब बेकार वहाँ पर। अब यहाँ पर चलेगा आपका फार्मूलाज रिवीजन। चलिए सबसे पहले जो है हम लेते हैं फार्मूला, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसमें एक छोटा सा फार्मूला यूज होता है, उसको ले लेते हैं। अगर आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए एक आपका फार्मूला होता है, उसको समझ लीजिए। अगर आपका 1/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का कोई भी रेशनल नंबर है, अगर उसमें जो आपका डिनोमिनेटर है वो इस टाइप का है, तो आपका टर्मिनेटिंग, तो आपका रहेगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, समझ लेना इसको, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब शांत, अरे अशांत। हाय बेटा निर्भय पटेल, कैसे हो? ठीक, इतना समझ में आया? इसका अगर एग्जांपल हम एक छोटा सा ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल हम ले लेते हैं इस प्रकार से, अगर लिखा हो 2 की पावर 5 और मान लिया लिखा है 3 की पावर 2, तो बताइए कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, कमेंट करें बेटा, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा? ठीक है बेटा निर्मय पटेल, फिर उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर लेते हैं। बताया ये टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग, कमेंट करें। सर डिलीट डिलीट है हमारे में CBSE में। अच्छा यार डिलीट है, डिलीट है, चलिए फिर इसको हटाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होगा बेटा, ब्रजमोहन सही है, नॉन टर्मिनेटिंग, निर्मल भी सही है, ऋषभ भी सही है। चलिए सेकेंड जो चैप्टर है वो बेटा, वो तरुण शर्मा सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर जो आपका है पॉलिनोमियल्स, वो भी शायद हटा है। थर्ड चैप्टर, अच्छा देखते हैं, थर्ड चैप्टर जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये तो है, ये तो है बेटा तरुण शर्मा, डिवीजन एल्गोरिथम वाला टॉपिक डिलीट है, कोई दिक्कत नहीं बेटा तरुण शर्मा, ये बताइए ये है कि नहीं है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो होगा। इसमें एक चीज आपको बताते हैं, अगर मान लिया ये दो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, हाँ सर, पर इसमें क्लास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक डिलीट है, चलिए वो नहीं बताएंगे, बाकी चीज़ें देख लीजिए। CBSE वाले मार्क देंगे ना अगर मेथड सही है हो और आंसर गलत नहीं? हाँ अगर बेटा सही से अगर वो जो है कॉपी चेक करेंगे तो मार्क देंगे, अगर आपका जो है मान लिया लास्ट में प्रॉब्लम हो रही तो मार्क तो देंगे, मार्क तो देंगे सभी। एक मिनट बेटा, एक मिनट, अभी यार प्रॉब्लम हो जाती है यार, वो ये मोर्टिन जला रहे, जल रहा था पास में, और इसी के बगल में जो है ये पावर बैंक और उसका ये जो वो है क्या कहते हैं साला, इसको कुछ ध्यान नहीं आ रहा, अरे ये जो यार क्या है इसको बता, ये भी ध्यान नहीं आ रहा है। दिमाग मैथ पर चल रहा है तो ये सब ध्यान नहीं आ रहा है इस समय।
यार क्या नाम होता है इसका बताओ यार, हमें ध्यान नहीं आ रहा यार। वायर नहीं कुछ, डाटा केबल। देखो क्या दिमाग खराब है, डाटा केबल उसमें लग गया था यार, तो अभी वो जल जाता है। वो ध्यान दे दिया मैंने, डाटा केबल तक तो ध्यान नहीं आता। पावर बैंक नहीं बच गया, डाटा केबल बच गया। पावर बैंक तो कोई दिक्कत नहीं होती। खैर देखें, इसमें जो है अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि लाइंस जो आपकी ये दो हैं ये इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या आपकी जो है को इंसिडेंट लाइंस होंगी, ध्यान समझना। इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या को इंसिडेंट लाइंस, तो आप कैसे पहचानेंगे उसका फार्मूला हम बता देते हैं। इफ ए वन अपान ए टू इक्वल टू कैन नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, इफ ए वन अपान ए टू कैन नॉट इक्वल टू बी वन अपान बी टू, तो आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करेंगी इस प्रकार से। कैसे? इस प्रकार से एक दूसरे को कट करेंगी, ठीक है। और अगर आपका ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू कैन नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू है, तो आपकी होंगी पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछता है कि सल्यूशन कितने होंगे, यहाँ पर लिखते हैं आगे सल्यूशन, तो सल्यूशन यहाँ पर होगा वन सल्यूशन या यूनिक सल्यूशन बोल सकते हैं। यहाँ पर होगा जीरो, मतलब नो सल्यूशन। और थर्ड जो आपका है को इंसिडेंट लाइन, मतलब ए वन अपान ए टू इक्वल टू बी वन अपान बी टू इक्वल टू सी वन अपान सी टू, और यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी सल्यूशंस, इनफाइनाइट सल्यूशन होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस एक के ऊपर एक होंगी, ये ऐसे एक के ऊपर एक लाइन, एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइंस। समझ में आया बेटा तरुण शर्मा? कंफर्म करें अगर समझ में आया हो, समझ में आया हो तो कंफर्म करें, फिर अगला चैप्टर लेते हैं। कमेंट करें बेटा। आ गया राजीव त्रिवेदी के भी, आ गया, वेरी गुड बेटा। 6-7 लाइव देख रहे हैं सिर्फ। चलिए अच्छा, अगला आपका चैप्टर 4। चैप्टर 4 में भी कुछ है थोड़ा बहुत इसी प्रकार से कि अगर आपकी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसमें पूछता है कि एग्जिस्ट है या नहीं एग्जिस्ट है, सल्यूशन जो है आपके रियल हैं इक्वल हैं या डिफरेंट हैं। हाय बेटा राज, अभी वहाँ प्रॉब्लम हो गई थी तभी दूसरी क्लास स्टार्ट की, आप लेट हो गए तो बेटा राज, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए फार्मूलों का रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ पर आपको चेक करना होता है डिक्रीमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी, डिक्रीमिनेंट आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो अगर डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो है, तो आपके रूट्स जो होंगे, रूट्स, एक मिनट, जो आपके रूट्स होंगे, रूट्स का जो नेचर होगा वो होगा रियल एंड इक्वल। दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ पर, इस वाले मार्कर से अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब प्लस का है, इससे दिख नहीं रहा है मैं लगता सही से, अगर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रीन से अच्छा दिख रहा है, इससे अच्छा दिख रहा है। चलिए फिर यही रखते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा रियल एंड डिफरेंट। पिंकी राय बेटा आ गए, पिंकी राय। हाँ, तो यहाँ होगा रियल एंड डिफरेंट,
डी आई डबल एफ लिखते हैं बस, आगे नहीं लिखेगा, नहीं तो रियल एंड डिफरेंट होगा। और थर्ड है आपका इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सर व्हाट इज डिक्रीमिनेंट? डिक्रीमिनेंट ये फार्मूला होता है बेटा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आपसे अगर पूछता है कि डिक्रीमिनेंट क्या होगा तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगा दीजिए, बस निकल आएगा डिक्रीमिनेंट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं शायद वो विविक्त कर बोलते हैं हिंदी में, विविक्त अनरियल में आया कि नहीं, अनरियल रूट्स होंगे। कंफर्म हो गया डिक्रीमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर। ओके तरुण शर्मा, राजीव त्रिवेदी, निर्मल जो भी हैं, सर लोग क्या बेटा ये लोग उस समय भी आया था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका चैप्टर है तर्कश्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे आज अभी शायद परसों बताया था, क्या होता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसमें और आगे लिखा है 9, 14, 19, 24, 5, 5 का डिफरेंस है कि नहीं, 5, 5 का डिफरेंस नहीं इनमें होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब उसमें ए पी में। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बोलते हैं उसको। फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है सर जी माई डाटा ओवर, ब्रजमोहन का डाटा है। आपको आता है तो आप कर सकते, ट्रिक में आप कोई ट्रिक नहीं होती है इसकी। अब आपको हम ट्रिक क्या दें, ट्रिक नहीं कोई होती है। हाँ अभी एक हमारे दिमाग में फार्मूला या सिक्स वाले चैप्टर में बताएंगे वो। फर्स्ट टर्म होता है ए एन होता है, अगर एल लिखा है तो इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, एन दिया है, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टोटल टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस। तो बताते हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। नहीं होना चाहिए, ज्यादा लोग होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो देखिए फार्मूला इसमें क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है। या हम इसको ए एन के इक्वल भी लिख सकते हैं, या फार्मूला हम ये एल इक्वल टू भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी हो सकता है। ठीक, डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। हेलो, कमेंट करें कि बाकी किसी की कमेंट नहीं आ रही है। निर्मल और जो कोई हूँ, ऋषभ, धैर्य, जो कोई बेटा हूँ कमेंट करें एक बार फिर से। राजीव त्रिवेदी, क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? बेटा आशुतोष बताएं, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? डी होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब तरुण सरोवर, डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फोर टर्म से, मतलब आगे वाले से पीछे वाले टर्म, टू टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, एक ये होता है दूसरा भी होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, पिंग नेटवर्क का इशू समझ नहीं आ रहा क्यों, वैसे कभी ये हो जाता है।
क्या होगा उसमें? नहीं, कन्फर्म है अभी? क्लियर है? चलिए चैप्टर सिक्स लेते हैं। चैप्टर सिक्स में एक चीज़, तरुण शर्मा बेटा, अब आपका चैप्टर सिक्स ट्रायंगल से रिलेटेड लेते हैं। ट्रायंगल में आपको बीपीटी थ्योरम तो बता ही चुके हैं। हेलो, क्या मामला? सिर्फ एक बच्चा देख रहा। हेलो, क्या नेटवर्क इशू हो रहा फिर से आज? थोड़ा बहुत हो चल जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। हेलो, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं कमेंट करें। सर सब गए? आएंगे अभी, वापस आएंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है इसीलिए। राजीव त्रिवेदी प्रेजेंट है, पिंकी नाउ क्लियर। चैप्टर सिक्स से एक बहुत ही अच्छी जो है वो है थ्योरम, फार्मूला आता है उसमें, पूछता है ये ऑनलाइन मैराथन कौन उसमें जो है, जब आपके दो ट्रायंगल, एक मान लिया ये ट्रायंगल है, एक और ये ट्रायंगल है, ठीक है? हाँ कुछ करेंगे बेटा। इसमें मान लिया है कि ट्रायंगल आपका एबीसी है और दूसरा ये ट्रायंगल है आपका पीक्यूआर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, तो इसमें जो है, इसमें जो है अगर आपका एरिया का रेशियो पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये आपका फार्मूला होता है इसका, कि जो आपके ट्रायंगल हैं उनकी साइड का रेशियो, ए बी अपान पी क्यू का स्क्वायर, बी सी अपान क्यू आर। पहली बात तो अगर आपके सिमिलर हैं तो इनका रेशियो इक्वल होगा सबका। साइड का रेशियो गिवन है, जैसे मान लिया साइड का रेशियो होता है 1:3, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, 1/3 का स्क्वायर करिए, मतलब 1:9। ये फार्मूला होता है चैप्टर सिक्स से रिलेटेड है ट्राइंगल से। इस पर जो है आपके एम सी क्यू आ जाते हैं कभी कभी, छोटा सा क्वेश्चन 1-2 नंबर का आ जाता है, तो इसको याद रखें। जब आपके ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे तभी ये काम करेगा, ये याद रखना, ठीक है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में एक बार फिर से बता देते हैं आपको, या उसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। सर क्वेश्चन आल्सो डू, क्वेश्चन अब क्वेश्चन तो करा रहे हैं साथ में, उसका रिलेटेड क्वेश्चन करा तो रहे हैं। हिराज क्लासेस के नाम से ये कौन आया बेटा? आई एम बैक, विद्यार्थी बैक हो गई। हिराज क्लासेस के नाम से कौन है बेटा? प्रणाम, जो भी हो कमेंट करें बेटा, अपना नाम कमेंट करें। थेल्स थ्योरम, या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसमें जो है क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल है, फिर से सुन लें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो थेल थ्योरम के नाम से जानी जाती है। एक आपका ट्रायंगल है ए बी सी, कोई मुंबई में रहता है क्या विद्यार्थी यादव? पता नहीं हमको, इन्हीं से पूछ लो। उसमें अगर आपकी जो है एक, अच्छा विनीत है, सॉरी पैरेलल है बी सी के पैरेलल, एक लाइन मान लिया ई एफ डाली जाती है, बी सी पैरेलल ई एफ, एक जो है आप अदर लाइन खींचे जो ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो, ठीक है? तो
वो अदर टू साइड्स को जहाँ से कट करती है, इंटरसेक्ट करती है जहाँ पर, उनमें जो दो पार्ट होते हैं उन पार्ट्स का रेशियो, मतलब ए ई अपान ई बी इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी, ये जो है इक्वल हो जाते हैं। मतलब जो अदर साइड्स जो हैं आपकी, उनके जो दो दो पार्ट होंगे उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा, याद रखना। और रिवर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है? नाउ ऑल बैक। हाँ आ रहे हैं सभी, पिंकी राय। और रिवर्स ऑफ बीपीटी जो होती है उसमें क्या होता है? रिवर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिवर्स क्या होता है कि अगर आपका जो है ये गिवन है, मतलब ए ई अपान ई बी इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी आपको गिवन है, यहाँ पर ये आपको गिवन था, यहाँ है, तब ये आपको गिवन है, तो आपकी जो लाइन है ये वो थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाती है, मतलब ई एफ पैरेलल बी सी, ये होती है रिवर्स ऑफ बीपीटी। समझ में आया? अब चैप्टर 7 से रिलेटेड फार्मूले लेते हैं। चैप्टर 7 से रिलेटेड फार्मूले, तो जो आपका चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, उनके बीच की। दूसरा इसका यही फार्मूला ऐसे हो जाता है, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूले राइट होते हैं, कन्फ्यूज ना होना बिल्कुल भी। और थर्ड फार्मूला होता है आपका मिड पॉइंट फार्मूला, सॉरी सेकेंड फार्मूला, मिड पॉइंट। अगर जैसे दो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं, दो कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, इनके अगर मिड पॉइंट के फार्मूले पूछ रहा है तो वो होता है एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपान टू और वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपान टू, यही आपका होता है, ठीक है। और अब आपका जो है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जो होता है वो क्या होता है कि अगर मान लिया कोई दो कोऑर्डिनेट हैं या कोई आपका एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक ये है ए एक है बी, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन वाई वन और इसके हैं एक्स टू वाई टू, बीच में इस पर मान लिया कोई पॉइंट है एक पी जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, वो मान लेते हैं एक्स कामा वाई। अगर इसके जो है पॉइंट रेशियो एम टू है, मतलब जहाँ से ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ये और इधर से ये, सर इन मॉर्निंग टाइम कैन वी डू सैम्पल पेपर इन लाइव क्लास? नो बेटा, मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा क्योंकि इस समय मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा बेटा, टाइम नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, आप सुबह नहीं हो पाएगी लाइव क्लास, स्कूल जाना होता है जल्दी। सुबह पेपर किस टाइम से है आपका पिंकी राय बेटा? सुबह पेपर किस टाइम से है? किस टाइम से है बेटा सुबह पेपर? सीबीएसई बोर्ड वाला पेपर हाई स्कूल का किस टाइम से है? लास्ट फार्मूला करा दे बस। एरिया ऑफ ट्रायंगल,
10:30 से है बेटा, लेकिन हमको जो है जाना होता है 8 बजे के करीब। ए बी सी इसके आपके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके x2 y2, इसके x3 y3। तो आपका जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 (y2 - y3) प्लस x2 (y3 - y1) प्लस x3 (y1 - y2)। इस फार्मूले को याद रखना। और अगर ये कहता है कि आपके जो 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, अगर आपको कोलिनियर प्रूव करने को आ जाए, कोलिनियर, तो आपको डेल्टा जीरो दिखाना है, मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब लाइव क्लास बंद करते हैं क्योंकि कोई भी बच्चा लाइव देख नहीं रहा, 3 बच्चे लाइव देख रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। हेलो सर, कैन वी डू लाइव क्लास फ्रॉम 5 AM? 5 AM मुश्किल सा लग रहा है, देखते हैं अगर कोशिश करेंगे। राज बेटा आ गया। हाय बेटा राज, कहाँ चले जाते हो आप? अब 2-3 लाइव देखेंगे, मन कहाँ से लगेगा पढ़ाते हुए। बताइए, कल पेपर है क्लास 10th वालों का, लाइव देख नहीं रहा है कोई, 2-3 बच्चे देख रहे हैं। हाँ मुश्किल है राजीव त्रिवेदी। इसी नाम से, हिराज क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उस पर क्वेश्चन डाल देना, अगर टाइम मिलेगा तो सोल्यूशन बता देंगे उसका। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट, लाइव क्लास यहीं पर एंड करते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया हमारा। ओके, गुड नाइट राजीव, गुड नाइट राज, गुड नाइट पिंक।